भाई एम्पियर सर्किट एंड लॉ, हमने मॉडिफिकेशन किसकी करनी है? मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, उसने मॉडिफाई किया था एम्पियर सर्किट एंड लॉ को, और एम्पियर सर्किट एंड लॉ क्या था? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, उसने इसको मॉडिफाई किया था और उसने एक नया लॉ दिया था जिसको नाम दिया गया था मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन टू एम्पियर सर्किट लॉ। जैसे एम्पियर ने बना दिया लॉ, उसने देखा इसमें कोई शॉर्ट कमिंग है, तो मैक्सवेल ने इस लॉ को क्या किया था? मॉडिफाई किया था। चलिए लिखिए, बाय एम्पियर सर्किट लॉ इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और इंटीग्रल कैसा होगा? क्लोज होगा, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ में हम एक लूप लेते थे। कम टेक दिस इक्वेशन एज वन, वेयर आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, अब हम बात करते हैं लूप C2 की। C2 जो है रिंग, ये दोनों प्लेट्स के बीच में है, या रिंग C2 लाइज बिटवीन प्लेट्स P एंड Q, therefore no current is flowing through loop C2, या ring C2, sorry ring करो, loop रहने दो, ring C2, ठीक है। अब इससे कोई तो, therefore equation 1 becomes इक्वेशन वन हमने ये लिखी थी, अब इस लूप जो रिंग C2 है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये आई क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन वन क्या हो जाएगी? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू इसको ले लो 2, वन एंड टू कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो 0 कौन होगा? आई, पर अगर आई ना हो तो एम्पियर सर्किट लॉ हो ही नहीं सकता, आई ना हो तो एम्पियर सर्किट लॉ बन ही नहीं सकता। राइट डाउन विच इज द कंट्राडिक्शन टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, विच इज कंट्राडिक्शन टू एम्पियर सर्किटल लॉ। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, टू अवॉइड दिस कॉन्ट्राडिक्शन मैक्सवेल मॉडिफाइज एम्पियर सर्किट लॉ
एज मैक्सवेल ने कहा बी डॉट डीएल, एम्पियर ने तो दे दिया था आई ओनली, म्यू नॉट इंटू आई, उसने सिर्फ ये बोला था म्यू नॉट इंटू आई। एम्पियर ने थोड़ी सी उसमें मॉडिफिकेशन की आई प्लस डी फाइव आई डी टी और साथ में यहां पे एप्सिलॉन नॉट और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। बोले ये आएगा, क्यों? और उसने इसको नाम दिया एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई फाइव ई बाई डी टी, इसको नाम दिया उसने। उसने फिर इसको ऐसे लिखा, और इसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सी हियर लाइन इंटीग्रल, लाइन का मतलब होता है यहां आएगा डीएल, सरफेस इंटीग्रल हो तो यहां आएगा डीएस, वॉल्यूम इंटीग्रल हो तो यहां आएगा, याद रख लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बी, बीच में क्या आएगा डॉट, यहां क्या लगेगा थर्मोपॉल एरो, इज द सम ऑफ कंडक्शन करंट म्यू नॉट टाइम्स सम ऑफ आई को बोले बोला उसने कंडक्शन करंट और आई डी को बोला उसने डिस्प्लेसमेंट करंट। ये स्टेटमेंट ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोल रही है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, कंडक्शन करंट आई एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट आया कहां से, मेरा फोन होगा ऑफिस में,
हमने डिस्प्लेसमेंट करंट देखा आई डी, इट इज एप्सिलॉन नॉट, कहां यूज करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, डी फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन डी टी, तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण यहां पे आएगा इस इक्वेशन के अंदर। कि मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी साथ में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी उस रिंग को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी उस रिंग को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, जिसके कारण क्या होगा, ये वाला फ्लक्स जो है ये इंट्रोड्यूस होगा और ये कंस्टिट्यूट करेगा किसको, इलेक्ट्रिक करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट को। डिस्प्लेसमेंट करंट इज आल्सो वन काइंड ऑफ करंट। नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। इट इज करंट, इट इज द करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस when electric flux linked with some region changes, it is given by ID is equal to epsilon naught d phi upon dt, d phi e upon dt, ये वाला